मैं घी बना लूं उसके बाद तुम मणि की मदद लेकर प्रसाद के लिए शीरा बना सकती हो। जी माँ जी। और ये ना साड़ी बदल दो। त्योहार का दिन है तो अच्छी साड़ी पहन लेना। तब तक मैं मणि से कहती हूँ वो रसोड़ा साफ कर लेगी। माँ जी मैं रंगोली बना के रसोड़ी में आती हूँ आपकी मदद करने। सारू चाय पीकर जाना और मिला बहन। जी अरे विवान जी आप खड़े क्यों हैं? आइए ना बैठे। राशि अपनी मम्मी के लिए चाय नाश्ते मिठाइयों का प्रबंध करो बेटा। नहीं मम्मी जी मैं इन्हें अपने कमरे में ही ले जाती हूँ। चलिए मम्मी वैसे भी यहाँ बात करते करते अगर मामूली सी मामूली बात भी निकल गई तो न जाने इसका क्या मतलब निकाला जाएगा। और फिर सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा। वैसे भी इस घर में तो सिर्फ पुरानों की ही चलती है। नयों की तो कदर ही नहीं है, है ना मम्मी जी? चलिए आई। मणि थोड़ी सी चाय बनाकर राशि भाभी के रूम में दिया, उसकी मम्मी वहीं है। मोटा भाभी आप तो जानती है ना रसोड़ा अब भी साफ किया है हमने और फिर पारंपरिक तौर से घी बनाना शुरू किया है मैंने। एक बार घी बन जाए प्रसाद बन जाए शीरा उसके बाद ही रसोड़े में सारा काम कर सकते हैं, है ना मोटा भाभी? आप कैसे भूल गई? मैं तो भूल ही गई थी मोटी बहन। मोटी बहन राशि आपसे कुछ बोलना चाहती है। मम्मी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। न जाने पिछले कुछ दिनों में मुझे क्या हो गया था, मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की, आपके बात बात पर मैंने आपका बहुत अपमान किया। मम्मी जी मैं उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और उसी बात के लिए आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मणि डफोड़ जी क्या जल्दी बाहर दौड़ के देख तो सूरज देवता पूरब की बजाय पश्चिम से तो नहीं निकले। या फिर वेवान जी आप ज्ञान की कोई ऐसी गोली तो नहीं लेकर आए जिसे निगलते ही आपकी राशि का सुर बदल गया हो? क्यों वेवान जी? राशि मैंने तुम्हें माफ किया। दिवाली के आज शुभ अवसर पर तुम मुझसे माफी मांगो तो ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। सुखी दाव दिख रहा। कोकिला मैं सारे चांदी के बर्तन निकालने जा रही हूँ, तुम्हारा रसोड़े का काम खत्म हो जाए तो अपने कमरे में से सारे चांदी के बर्तन निकाल लेना, ठीक है? ठीक छे मोटा बाबे।
पानी डोबी डफोड़ फिर खड़ी हो गई। पानी आप ठंडो। सुनो मणि, दराजबे से वो दिए निकालो, पूरे 101 दिए जलाऊंगी। हर साल दिवाली में जलाती हूँ, वैसे मैं जला लूंगी, उसके बाद तुम कमला और बाकी लोग दिए जला लेना। हुँ? अरे वाह, मक्खन तो हो गया। अरे मणि सुनो तो, ये मलाई का पानी है, इसमें जीरा और नमक मिलाकर ये मोटा भाभी को दे करा, उन्हें इस तरह की छाछ बहुत पसंद है। आले देख लेना मनी, कोई से झूठे हाथ से छुए नहीं, वरना ये सारा का सारा घी बेकार हो जाएगा। जी किंजल से कहती हूँ वो तैयार हो जाए, उसी से जोत जलवाऊंगी। मम्मी लगता है कागड़ी घी बना चुकी है। हाँ। अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। हाँ। वैसे भी कागड़ी शायद अपने रूम में आराम करने गई है। हाँ। ये इसका रोज का नियम है। चलिए। मम्मी चलिए, अब रास्ता साफ है, अब बताइए क्या करना है। बेवकूफ लड़की, जल्दबाजी का नतीजा तो तूने चाबी का गुच्छा गवा कर देख ही लिया है। कलाकारी का काम तो तभी होता है जब उसे शांति से निपटाया जाए। मम्मी ये आप क्या कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर में तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा, पहले तो तू मुझे फटाफट कोई अच्छी सी मिठाई खिला तो कुछ दिमाग तेज चले। रुकी क्या बात है, कलाकारी का काम तो चलता ही रहेगा लेकिन ऐसी गजब की मिठाई तो मुझे देखने तक भी नहीं मिलती। राशि और बेटी की ऐसी कौन सी खास मीटिंग मेरे रसोड़े में चल रही है? वैसे भी उर्मिला बेन, आपकी बेटी न काम की है न धाम की। काम तो आता नहीं है। लेकिन काम बढ़ाने का इसे बहुत शौक है। मणि इसे साफ कर दो। मैंने पहले ही कहा था कि पूजा के प्रसाद के पास कण भर का भी झूठन नहीं होना चाहिए। मणि रगड़ रगड़ के साफ कर, तभी मेरी गोपी वह प्रसाद बना पाएगी। हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, दूसरों के घर में कैसा होता है ये दूसरे जाने। और हाँ राशि, तुम माँ बेटी की ये गप्पा गोष्ठी खत्म हो गई हो तो तुम्हें भी एक काम करना है, ये सारे बर्तन तुम अच्छी तरह से धोगी, लेकिन यहाँ नहीं, आंगन में, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि प्रसाद बनाते समय रसोड़े में गंदगी का काम हो। समझी गई? जी काकी जी, मैं अभी किए देती हूँ। और हाँ गोपी वाव, तुम और मणि दोनों मिलजुल कर शीरा प्रसाद बनाओगी, और वो प्रसाद
ये घर के बने घी से ही बनेगा। अने हाँ मणि, जो 101 दिए तुमने निकाले हैं, वो सारे दिए तेल से प्रज्वलित होंगे। तेल की बर्नी वहां है, समझी गया ने? अरे किंजल, सारू थयू तो आवी गए, तुम भी अच्छी तरह से देख लो। इस बर्नी में घर का बना हुआ घी है, तो उसी से अखंड जोत तैयार करना और प्रज्वलित करना। माँ, मैं तैयार तो हो ही चुकी हूँ, तो अखंड जोत का काम शुरू करूँ? ना किंजल बेटा, अभी पूजा में वक्त है। अरे आशु, अरे इतनी सुंदर लग रहे हो इस चनिया चोली में, लेकिन गले में मांग में कुछ नहीं पहना बेटा। चल बेटा, मैं तुम्हें गले का और मांग टीका निकाल कर देती हूँ। मोटा भाभी, ये लोग दफ्तर से आ जाए, उससे पहले हम दीपावली की पूजा की जो तैयारियां बाकी है उसे पूरी कर लेते हैं। कोकिला, एक काम करो, तुम किंजल को गहने दे दो और फिर उसके बाद अखबार वाला, बर्तन वाला, ये सब बाहर बागीचे में खड़े हैं, उन्हें दिवाली के तोहफे दे देते हैं। सारू मोटा भाभी। उर्मिला बेन जी, आपकी तो दोनों बेटियां बहुत व्यस्त हैं, आइए आप हमारे साथ रहिए थोड़ी देर। मोटी बेन, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आराम कर लो, अचानक से सिर में दर्द शुरू हो गया है। चल किंजल बेटा। अरे उर्मिला बेन, आपको सर दर्द हो रहा है? आइए मैं आपको दवाई दे देती हूँ। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी मैं यहाँ मेहमान थोड़ी हूँ, अगर कुछ मुझे चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी। सारे राशि बर्तन यहाँ भी है, ले लेना। जी। माणी, ये बर्तन आंगन में ले जाने के लिए मेरी मदद करो। जी। फटाफट 2 मिनट में काम पतावी ने पाछी आवी जा, फिर हमें अपनी कलाकारी चालू कर देनी है। इसी बीच मैं कुछ भी तिकड़म बिड़ा के इस गोपी को यहाँ से बाहर निकालती हूँ। और एक बात सांभर, कैसे भी करके मणि को थोड़ी देर के लिए काम में उलझाए रखना। हाँ ठीक है, जा। बस अब गोपी का कुछ करना पड़ेगा। गोपी दिख रहा? जी मामी जी। मैं तुझे ये बताने यहाँ चली आई कि मैं मंदिर की तरफ से होते हुए कमरे में आराम करने जा रही थी, तो मैंने देखा कि ठाकुर जी की मूर्ति हमेशा की तरह ठीक से नहीं रखी है और फूल भी यहाँ वहाँ गिरे पड़े थे। तू एक काम कर, तू वहाँ जा और जाकर देखकर एक बार तसल्ली तो कर ले। लेकिन मामी, कढ़ाई में मैंने अभी अभी घी डाला है। कोई बात नहीं, कढ़ाई भारी है तो घी गर्म होने में समय लगेगा। तू एक काम कर, गैस थोड़ा धीमा कर ले और फुर्ती से जाकर अपना मंदिर देख कर आ। हाँ ये ठीक रहेगा। ये क्या, दिवाली के दिन मंदिर इतना बिखरा पड़ा है? मैं इसे ठीक कर देती हूँ। चलो अच्छा है, इस
उसे तो काम पे लगा दिया, लेकिन ये राशि क्या छे? भगवान, ये मणि ये कहां से टपक पड़ी? पहले ही कहा था राशि से कि उसे काम में उलझाए रखना। मणि बेन। हाँ गोपी भाभी। वो क्या है ना, रसोड़ी में कढ़ाई में घी चढ़ा के मैं यहाँ मंदिर देखने आ गई, आप जरा जाके घी में रवा डाल देगी? ठीक है गोपी भाभी। हे भगवान, अब क्या करूँ, इस बेवकूफ का हमेशा मुसीबत बढ़ाने का काम करती है। मणि जरा इधर आना। जी मामी जी। ओ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने राशि की रूम में बाम ढूंढा पर मिला नहीं, तू जरा वहां जाकर देखना और मुझे लाकर दे। लेकिन मामी जी वो भोग का शीरा ना। अरे 2 मिनट की तो बात है बेटा, ला देना, मेरा सर जोरों से दर्द से फटा जा रहा है। मैं लेके आती हूँ। बात ध्यान से सुन, मैं बाहर की तरफ नजर रखे हुए हूँ, तू इस कढ़ाई का गर्म घी वापस उस बर्नी में डाल दे। मम्मी, लेकिन वापस उस बर्नी में क्यों? जैसा कहा है वैसा कर, चल जल्दी। ऐसा कर, अब वो तेल की भरनी उठा और उसमें से सारा तेल इस कढ़ाई में डाल दे। ये सारा घी इस तेल की भरनी में डाल दे। तेल की गंध बाहर निकल जाएगी। मम्मी, अच्छा तो ये कलाकारी है? हाँ। कि शुद्ध घी के बर्नी में तेल और तेल की बर्नी में घी। हाँ। मम्मी, लेकिन आप इस कढ़ाई में से थोड़ा सा तेल लेकर उस घी वाली बर्नी में डाल दे। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।